एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरे ही हॉकी स्टिक से मेरी टांग के दो टुकड़े कर दिए। फुटबॉल से तो नहीं कर सकते। 12:15 बजे नीचे खड़े आमिर, नीचे खड़े मेरे गेट में, ये है आमिर खान। क्या कहा उसे? बताना नहीं। कुछ बताना, कुछ बताना। मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा उसने? कुछ बताना नहीं। वेलकम में जो अगर अक्षय कुमार को मिला होगा उतना आपको नहीं मिला होगा पैसा। भैया जो अक्षय कुमार का जो स्टाफ है ना उससे भी कम मिला होगा। क्या बात कर रहे हो? हम दुबई में जिस होटल में थे उसी होटल में लोगों का स्टाफ होता था। तो दिस इज लाइफ, दिस इज इंडस्ट्री, यू हैड टू एक्सेप्ट। ये तुम्हारे 5 महीने का किराया इतना हो गया है ना, 500 रुपये हो गया, और दाल चावल का भी तुमने नहीं दियो। तो बड़ा 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 टेंशन था सर कि क्या करना है, क्या करना है। यू हैव टू हैव पेशेंस। कितना 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 भी, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो वहाँ जो तवज्जो दी जाती है स्टार्स को और ये सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा दैट इज रॉन्ग। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल है। डिजिटल कमेंट्री का अनफोल्डिंग टैलेंट्स के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर ऑलरेडी देख रखा होगा, आज हमारे इस एपिसोड में जो आए हैं वो काफ़ी खास हैं। तो इस खास एपिसोड में उस खास मेहमान का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और यहाँ आकर के और भी अच्छा हो गया हूँ, और आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भाई आप लोग ने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन कराया है। और क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है यार कि मतलब दर्शक हमें चाहे और आप उन्हें हमारे बारे में बताएं, हमारी तारीफ करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है हमारे किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मेरे लिए क्या नहीं। सर डेफिनेटली आपने सिनेमा इंडस्ट्री को इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिए हैं, इतने यादगार कैरेक्टर्स दिए हैं, इनफैक्ट जो हम आज भी देखते हैं तो हम लोटपोट हो जाते हैं। थैंक यू। सो मैं सर ये पूछना चाहता था आपसे कि आप हॉकी के सच में कितने बड़े खिलाड़ी हैं? एंड फॉर्चुनेटली मैं आपको सही बताऊं, वाकई में हकीकत बताऊं, वैसे मैंने सारे गेम्स खेले हैं। मैंने अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में सिवा खेलने के और नौटंकी करने के कुछ नहीं किया है। फॉर्चुनेटली देख लीजिए फिल्मों में आकर के वो हॉकी ने मेरे को कितना साथ दिया, कितना मेरा सहारा बनी है, तो और कितना फेमस किया उसने। ये क्या आपका इनपुट था क्या कैरेक्टर में कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था? नहीं, क्या डायरेक्टर, डायरेक्टर अनीस बज़मी, उन्होंने आपके अंदर वो टैलेंट देख लिया था कि आप हॉकी के प्लेयर? नहीं वो नहीं देखा था, बट उनका करेक्टर ये था। नहीं मतलब ऐसा है कि सर दूसरा गेम क्यों नहीं, वॉलीबॉल क्यों नहीं, फुटबॉल क्यों नहीं, क्रिकेट क्यों नहीं, हॉकी का ही प्लेयर क्यों सर? वो टांग कैसे तोड़ेगा वो? वो बोलता है ना कि एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरे ही हॉकी स्टिक से मेरी टांग के दो टुकड़े कर दिए। फुटबॉल से तो नहीं कर सकते, या तो हॉकी से करेंगे या क्रिकेट बैट से करेंगे। तो हॉकी ज़्यादा अच्छा है। जनरली आपने देखा होगा कहीं जब गैंगवार होता है, कुछ झगड़े होते हैं और तो लोग हॉकी स्टिक लेके निकलते हैं, क्रिकेट का बैट लेके नहीं निकलते, कोई फुटबॉल लेके नहीं निकलती, हॉकी स्टिक लेके निकलते। तो अभी सर वेलकम 3 आ रही है तो उसमें बल्लू वापस आ रहा है सर, उसमें उदय नहीं है, उसमें मजनू नहीं है, ये चक्कर है उसमें। नहीं हम लोग नहीं होंगे क्योंकि हम लोग का ट्रैक ही अलग है ना। नेचुरली अगर नाना पाटेकर होते हैं, अनिल कपूर होते हैं और वो सेटअप होता है तो डेफिनेटली हम लोग होते हैं, लेकिन अभी अनीस भाई खुद ही नहीं है। सर एज एन आर्टिस्ट कभी अंदर से कोफ्त होती है इस बात को लेके कि जो फ्रेंचाइज हम लोगों ने शुरू किया कि वेलकम अगर है तो बिना उदय, बिना मजनू, बिना बल्लू के वो नहीं हो सकता है। किसका वेलकम करोगे, किसका वेलकम करोगे? क्योंकि वो कभी अंदर से टीस होती है कि ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे डिस्पैरिटी है, जहाँ पे एक तरह से पेमेंट सबको नहीं मिलती है। जो फिल्म के हीरो हैं उनकी कुछ और पेमेंट होती है, जो एक्ट्रेस है उनकी कुछ और, जो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं उनकी कुछ और। अब जैसे कि अगर वेलकम फिल्म लेते हैं, वेलकम में जो अगर 5 कैरेक्टर हैं, ऐसा हो सकता है कि जितना अक्षय कुमार को मिला होगा उतना आपको नहीं मिला होगा पैसा। भैया जो अक्षय कुमार का जो स्टाफ है ना उससे भी कम मिला होगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्मों में एक स्टार को लेकर के, बहुत बड़े स्टार को लेकर जो पैसा खर्च होता है वो होता है जी। हम तो अकेले चले जाते हैं सर, इकोनॉमी में चले जाते हैं, हमको जो होटल दिया जाता है हम रह जाते हैं। हम दुबई में जिस होटल में थे उसी होटल में लोगों का स्टाफ होता था, स्टार्स का। हाँ वही हमको दिया था। अनफेयर तो है सर ये इसकी बात करो, वेलकम की बात करो।
बाकी हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो मैं भी और फिल्में मैंने किया हो तो एक अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं है यहाँ पर जी समझे, खास करके बड़ी फिल्मों में समझे ना, तो वहाँ जो तवज्जो दी जाती है स्टार्स को और ये सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा दैट इज़ रॉन्ग। बट बहुत सारे मेकर्स ऐसे हैं फिल्म मेकर जो इस भेदभाव को ख़त्म करके, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक मैं फिल्म कर रहा हूँ स्त्री टू। अच्छा स्त्री टू में आप या, या, अच्छा, या, कर रहे हैं, तो बहुत प्यार मिलता है जी, हाँ, और बहुत ध्यान रखा जाता है। कैसी बन रही है सर फिल्म? बहुत अच्छी। कुछ अगर बता सको उसमें? नहीं अभी मैं क्या कैरेक्टर आपका क्या है? आई एम प्लेइंग नेताजी। अच्छा नेताजी, नेताजी जो एक मंत्री का रोल कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ बड़ा मजा आता है, वहाँ पे थोड़ा सब जैसा लगता है कि सब हम लोग एक साथ हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्शंस मैं आपको बता सकता हूँ जी जी, जहाँ पर इवन यशराज की जो मैंने कभी एक सीरीज की है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, रेलवे मैन। रेलवे मैन, यस यस यस, रेलवे मैन, उसमें मेरे को बहुत मजा आया। तो ये जो जो भी प्रोडक्शन के लोग थे वो सब थे, उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। तो अभी ये जो नई जनरेशन आई है, जो नए लड़के आए हुए हैं, जो डायरेक्शन में है या प्रोडक्शन में है, जो कॉर्पोरेट है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट ठीक है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इंडस्ट्री जैसे वर्क करती है, इसमें एक्टर्स को काम पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? सबसे पहली बात तो यू मस्ट नो योर सेल्फ, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी होती है, तो वो देखने पहले कि इफ़ यू कैन एक्ट प्लीज कम और ट्राई करो। दूसरा यू हैव टू हैव पेशेंस। कितना 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 भी, इसका कोई लिमिट नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल। मेरे को तो, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मुझे तो 10-12 से 15 साल लगते हैं सर, 10-12 साल तो मैंने थिएटर किया है। एक नाटक देखने मेरे सलीम साहब आ गए, सलीम खान साहब, ही लाइक माई परफॉर्मेंस एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी, मेरे बारे में बोले जाओ महेश भट्ट से, मैं तुम्हारे लिए बात की हुई है सर मुझे, और महेश भट्ट ने मुझे देखते बोले यार तुम्हारे सलीम साहब बहुत बात करें भैया है, तो ठीक है भाई, सलीम साहब ने बोला हुआ तो आ जाओ फिर कभी देखते हैं। फिर जो मैंने कब्जा फिल्म थी एक, वो उसमें छोटा सा रोल था, उसके बाद भट्ट साहब ने मेरे को छोड़ा ही नहीं। 15 फिल्में की सर मैंने, 15 कब्जा, सड़क, साथी, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, हमेरा ही प्यार के, सर, गुमराह, मिलन, सातवा आसमान, नाराज, कितनी फिल्में, सारी फिल्में हिट। तो ये था कि भैया ऊपर किस्मत, ऊपर वाले ने जितना लिखा उतना ही तुमको मिलेगा, उसमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये क्या इस पर डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं इंडस्ट्री में। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप में टैलेंट है, पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है और मेहनत है, तो 100% आपको काम मिलेगा। लॉबी चलती है सर इंडस्ट्री में थोड़े दिनों के लिए, वो बड़ी पहले होता था कैंप की बात होती थी, हाँ, वो ये कैंप वो कैंप, और अगर हम बहुत ब्लंट होके बोले तो सर भट्ट कैंप होता था कि भट्ट कैंप के यही हीरो है, वो थोड़ा इजी हो जाता है उनके लिए, एक सर्कल में जो है उसी सर्कल में आपको काम मिल रहा है। लेकिन सर वहाँ कुछ भी कर लो, आप कितने भी कैंप में रख लो, लेकिन आपका टैलेंट वहाँ पर जो है ना सर्वोपरि होता है। कभी आपको ये फेस करना पड़ा कि आपको लगा कि ये रोल मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन चूंकि आप उस कैंप के हिस्सा नहीं है, या फिर आप में चाटुकारिता की वो वो प्रतिभा नहीं है आपके अंदर चाटने की, तो इसीलिए आपको वो रोल छूट गया जो आप डिजर्व करते हो, जो शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पता नहीं, ये बात बहुत सही कही आपने, कई बार ऐसा हुआ है, और उसी फिल्म में मुझे दूसरा भी रोल दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ये रोल बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सड़क फिल्म में जो रोल सदाशिव अमरापुर का था, महारानी वाला कैरेक्टर, पता नहीं क्यों मेरे को अंदर लगता कि यार मैं इस रोल को इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, बट क्या मैं कह नहीं पाया भट्ट साहब, फ्रेंकली स्पीकिंग, और भट्ट साहब की नज़रों में उनके, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मुझे दिए, उनका ये था कि नहीं यार ये लाइट और कॉमेडी रोल के लिए ज़्यादा फिट है, इस तरह के पॉजिटिव रोल के लिए अच्छा है, नेगेटिव रोल में ये सूट नहीं करेगा, ये उनके ख्याल में था। ये स्टीरियोटाइप वाला बात आ गई वापस से। हाँ अब तो ये लगता है सर कि अपनी इंडस्ट्री जो है, जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको भूल जाती है, किसी को बहुत जल्द भूलती है, किसी को एक समय लगा के भूलती है, लेकिन अल्टीमेटली सब भुला दिए जाते हैं। राजेश खन्ना जैसे एक बार बोले थे
कि मैं एक समय का सुपरस्टार था लेकिन इंडस्ट्री ने मुझे भी भुला दिया। सर मैंने राजेश खन्ना साहब के साथ उन दिनों काम किया जब वो उरूस पे थे, जब वो टॉप में थे, ही वाज ऑन द स्काई, मतलब थोड़ी सी बेवफाई, यू कांट बिलीव सर, मतलब मैं मुझे लगता अरे यार राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ क्या मैं, ऐसा था मतलब क्या हो रहा था सर, माय गॉड। और उन्हीं राजेश खन्ना के साथ मैंने अभी उनकी डेथ के कुछ 4-5 साल पहले का वफा करके शायद कोई फिल्म थी, नहीं उसका नाम था दो दिलों के खेल में, ओके राजेश खन्ना, टोटल नोबडी वाज देयर, नोबडी, कोई नहीं था। तो दिस इज लाइफ, दिस इज इंडस्ट्री, यू हैड टू एक्सेप्ट। को जिस दिन आपने ये सोचने की कोशिश कर दी अरे यार मैं आप खत्म हो जाएंगे, और ये मान के चलिए सर कि खत्म होना है। हर समंदर को उठ के गिरना है, हर तूफान को जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ये है सबके साथ है, हो गए। आपने जितना आपको मिला उसको संभाल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है सर जो आप डिजर्व करते थे उतना आपको मिल गया है या इंडस्ट्री आपको उससे थोड़ी सी? ये इतना मुश्किल सवाल है दोस्त मेरे, अंदर से बुरा लगता है सर कि इंडस्ट्री आपको और एक्सप्लोर कर सकती थी डिफरेंट रूल्स में, आपके अंदर के टैलेंट को और। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी लाइफ में एक ऐसी फिल्म मैंने किया जिस फिल्म को देख के लोग कहते थे कि आफ्टर दिस फिल्म यू विल बी समवेयर एल्स, यानी कि मुजफ्फर अली डायरेक्टर, आफ्टर उमराव जान मुजफ्फर अली डायरेक्टर, फारूक शेख, शबाना आजमी, रोनी हतंगड़ी, यूनुस परवेज, और राइटर राही मासूम रजा, फिल्म लिखी उन्होंने अंजुमन। सर अगर कहीं कॉपी मिले वो तो वो कैसेट आता था लंबा वाला उसमें, अब वो फिल्म देख लीजिए। सर मैं आपको क्या बताऊं, फर्स्ट हाफ कॉमेडी, सेकंड हाफ जब शबाना आजमी मना कर देती है, बोलता है मौलाना, बोलता है कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है, बोलती नहीं, इंटरवल, एंड सेकंड हाफ ही बिकम ए विलन, वो रोल था मेरा। अब ये है ना, ये डेस्टिनी, ये बहुत काम करती है। सर वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, अब देखिए वो फिल्म को, ऐसा था बिल्कुल कमाल रोल था मेरा। जैसे अब हम किसी भी काम में अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक रिटर्न, सर्टेन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, राइट? तो आरओआई जो आपका, जिसको आरओआई आजकल बोल दिया जाता है, तो वो जो आपका एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न था, वो आपको कभी ऐसा लगा कि मिला, नहीं मिला, या ठीक ठीक रहा, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड? मैं तो मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर हमने आपने ये सोच लिया कि यार यार मुझे वो उसके पास 2 गाड़ियाँ क्यों हैं, उसके पास 4 बंगला क्यों हैं, उसका इतना क्यों है, उसका उतना क्यों, वो क्यों बिजनेस क्लास में जा रहा है और मैं क्यों, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप अपने आप से ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आप में। तो आपको मान लेना चाहिए, हमारे बहुत सारे दोस्त कलाकार, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने इस अना को, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उर्दू में अना बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ईगो बोलते हैं, ईगो को लेकर के नहीं मैं ये रोल नहीं करूँगा, मैं वो रोल नहीं करूँगा, कौन है ये वो कौन कर रहा है, दे आर सिटिंग एट होम। अच्छा मैं अगर आप कहीं पीछे भी मुड़ के देखते हैं, अपने दोस्तों को भी देखते हैं ना, तो वहाँ लगता है अरे यार, फिर मैं देखता हूँ अरे नहीं यार मैं तो बहुत आगे हूँ उनसे, ये भी तो है ना। अब कंपेयर किससे करेंगे बताइए ना, अब किसी स्टार से या शाहरुख से या आमिर से तो कंपेयर आज नहीं कर सकता ना मैं, आई कांट। क्यों सर, एक्टर तो आप भी हैं वो भी हैं। एक्टर होना अलग बात है, स्टार होना अलग बात है यार, वो अलग ही बात है ना, वो तो है, हम भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। बट हाँ बात ये सही है, मेरे बहुत सारे साथी जैसा आप कह रहे हैं, बहुत कहते हैं यार आपको ना वो ये वो ऐसा होना चाहिए था वैसा यहाँ, तो उनसे भी यही कहता हूँ यार ठीक है यार, किस्मत भी तो है कोई चीज़ यार, सर ये तो मानते हैं ना आप, बिल्कुल डेस्टिनी भी तो है यार, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है, वक्त सिकंदर होता है, सम टाइम आपको, मैंने जैसे आप एक एग्जांपल दिया ना आपने एक फिल्म का अंजुमन का, सर वो आ जाते तो फिर कुछ और बात, सर वो फिल्म ही रिलीज नहीं, तुम्हें क्या जी नहीं हुई तो नहीं क्या करोगे जी। अब
मैंने कभी नहीं सोचा कि वेलकम का वेलकम ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, हाँ ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। या फिर गदर आएगी, गदर टू, वो इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, उसमें रोल लोग पसंद करेंगे। और जिस फिल्म से आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो वो आपकी रिलीज नहीं हुई। एक बात पता चले कि हम है राही प्यार में जो क्रेडिट आता है तो उसमें स्क्रीन प्ले में रॉबिन भट्ट के साथ आमिर खान को भी क्रेडिट दिया गया है, तो क्या आमिर खान के बारे में जो ये कहा जाता है कि दंती जो है कि वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफेयर करते हैं फिल्म मेकिंग में, ये सही है? मैं क्या, इसको आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, मैं जिस तरीके से लेता हूँ या आमिर खान जिस तरीके से लेते हैं, मैं आपको सही बताऊँ, आप उसको इंटरफेयर बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये डायरेक्टर को जो डिस्टर्ब कर रहा है या अब चाहता है कि मैं ऐसा करूँ, बट मेरा ये देखा है कि नॉट ओनली दैट फिल्म, मैंने आमिर के साथ बहुत सारी फिल्में की है, आमिर खान किसी भी फिल्म में हो, कोई भी फिल्म करे वो, चाहे उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी हो, उसका इन्वॉल्वमेंट इतना होता है। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी बात आमिर साहब में ये है कि वो चाहते हैं कि फिल्म अच्छी बने, वो चाहते हैं कि सीन अच्छा हो, और वो चाहते हैं कि सीन में अगर चार आर्टिस्ट हैं तो अगर वो सीन मेरा है तो वो मेरा ही हो, आप समझ रहे मेरी बात को? ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको। इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग एक दूसरे का रोल कटवाते हैं, इतने इनसिक्योर होते हैं, वहाँ पे आप बता रहे हो कि आमिर चाह रहे हैं कि सबका रोल अच्छा हो। बिल्कुल, तो ये जो उनको बोला जाता है कि वो इंटरफियर करते हैं, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आमिर खान का, अकेले हम अकेले तुम में एक मेरा रोल जो था उनका लॉयर का था, और परेश रावल जो थे वो मनीषा कोरेला के थे, और मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी दलील पेश कर रहा हूँ जज साहब के साथ कि ऐसे 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 ऐसे। अब आमिर खान से बैठे हुए कुछ जो मैंने एक पॉइंट दिया जज साहब को, ही डिडंट लाइक द सीन, उसने डायरेक्टर मंसूर खान को बोला, मंसूर आई डिडंट लाइक द सीन यार, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट पे मज़ा नहीं है, ये जो पॉइंट मेरा वकील बोल रहा है इट्स नॉट करेक्ट। मंसूर ने उसको थोड़ा अनदेखा करके सीन को कंप्लीट किया, 6 बजे पैकअप हुआ हमारा, 8 o'clock आई गॉट द फोन कॉल, और एक फ़ोन आया मेरे को, हाँ बोलो, बोलते साहब आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने कहा कौन साहब यार, आमिर साहब बात करना चाहते हैं, अरे मैंने कहा अभी तो हम लोग साथ में थे क्या हुआ, तो आमिर आए फ़ोन पे, मुशाक साहब आप कितने बजे सो जाते हैं रात में, मैंने कहा यही 11:30-11 बजे, कल 9 बजे की शिफ्ट भी, हाँ हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, बोले मैंने क्या हुआ आमिर बोलो, बोले नहीं यार हम लोग ना वी गॉट द पॉइंट, मेरे अरे यार हाँ हाँ, मैंने कहा क्या हुआ, अरे मेरे का छोड़ा नहीं इसने क्योंकि मेरा आमिर खान मैंने अभी ना पकड़े हुए क्योंकि मेरे आदत मालूम था उसकी, अरे यार मैंने कहा यार अभी ये सोने नहीं देगा ये, हाँ बोलो तो बोले वी गॉट द पॉइंट एंड वी आर राइटिंग विद द राइटर, पॉइंट ऑफ बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, मैंने कहा बहुत अच्छा है कल मिलते हैं, नहीं अभी मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप वो सीन अभी देख लें, अरे मैंने कहा यार अभी देख लूँ क्या करूँ यार, मैंने कहा आमिर ऐसा करते हैं ना सुबह, नहीं मैं चाहता हूँ कि आप, अच्छा मैंने कहा ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, अपने ड्राइवर को नंबर फ़ोन दो, मैं उसको एड्रेस समझाता हूँ, आप सीन लिख करके मुझे भेज दो, तो नहीं मैंने कहा आप दो ना है उसको यार, तो मेरे ड्राइवर को पूरा समझाया पूरा, देख ये एड्रेस है तू आ जा सीन लेके आ जा, मेरी वाइफ ने बोलिया सो जा कोई नहीं कुछ नहीं वाला कौन आएगा किसको मालूम था, 12:15 बजे आई गॉट द नॉक, तो दरवाज़ा खोला मैंने कहा लाया सीन दे, साहब नीचे खड़े हैं, 12:15 बजे नीचे खड़े हैं मेरे गेट में मेरी बिल्डिंग में, बिलीव मी, सो मैंने कहा आमिर भाई यार 12:15, अरे नहीं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर, मैंने कहा आइए घर पे, मेरे कहा सब बीवी, अरे नहीं हम घर नहीं जाएंगे, तो वो जो गेट पे जो लैंप पोस्ट होता है उसके नीचे सीन लेकर के मुझे पूरे पढ़ के सुना रहे, तो मैं देख रहा हूँ ऊपर के सब धीरे धीरे कॉलोनी के लोग ऊपर, क्या डेडिकेशन है सर, क्या कमिटमेंट, ये है आमिर खान। तो रमन सर अभी सीन की बात कर रहे हैं, आप वांटेड देखे हो? वांटेड का वो सीन याद है आपको जिसमें वो मनोज पावा रहते हैं और पीछे से एक चोर आता है उनके कान में कुछ कह के जाता है किसी को बताना और फिर सर जो है वो कैसे सर वो सीन पूरा वो यार कैसे वो देखो क्या हो गया कि आई थिंक प्रभु देवा ने मेरी कोई फिल्म देखी थी तो मुझे वहाँ से प्रोडक्शन से फोन आया ये उनको बुलाओ मुझे, तो मैंने कहा यार क्या रोल, बोले अच्छा रोल है बढ़िया इंस्पेक्टर का रोल है आप आ जाओ, तो मैंने कहा यार रोल तो बताओ, असिस्टेंट को पूछा, बोले सर वो ही बताएंगे रोल क्या है, अब प्रभु देवा थे तो थोड़ा मैं भी उनका फ़ैन था ज़बरदस्त बहुत अच्छे इतने अच्छे डांसर ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा ठीक है ओके हम पहुँच गए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जहाँ पर आप कहते हैं ठीक है यार डायरेक्टर है वो, तो सेट तक पहुँचने तक आपको रोल ही नहीं पता कुछ नहीं पता था मुझे कमाल हुआ है
कम 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 एयर कम एयर, उनका जो स्टाइल होता है कम कम, नथिंग नथिंग, इट्स वेरी स्मॉल कैमियो बट गुड गुड, आई थिंक इट्स गुड, यू विल डू गुड, आई थिंक इट्स जस्ट गुड गुड, लेट्स डू, चलो. मैंने कहा क्या करना क्या इतना नथिंग नथिंग, यू आर द इंस्पेक्टर, अनदर द गुंडा इज रनिंग एंड यू आर आफ्टर to catch him and all that, that the person is Manoj Pahawal. आपके शायद एक शायद हवलदार रहते पीछे. हवलदार है, हवलदार रहता है, तो हम लोग दौड़ के आते हैं वहीं से, वहीं से ये सब. And you just, तो पीछा कर पीछा कर, तुमने देखा कि he is saying something to Manoj Pahawal. ये कान में कुछ बोल रहा है, 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 बोल रहा है. तो उसके बाद जब तक आप आते हैं तब तक वो फिर भाग जाता है. And he will go, क्या कहा उसने, बताना नहीं, कुछ बताना, कुछ बताना. मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा उसने, कुछ बताना नहीं. फिर वापस होता है, क्या बता, तब वो बताता है कि बेटा उसने ये बोला, तो एक भयंकर गाली वो बोलता है, तेरी माँ. तो वो भी एक छोटा सा कैमियो था, वो बहुत अच्छा था. ये इस तरह के होते हैं डायरेक्टर्स के दिमाग में कुछ ऐसा कि भाई ये कैमियो करना है, ये करना है, तो फिर उनका यार कौन एक्टर करेगा, क्या करेगा. शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया है? हाँ, शाहरुख खान के साथ. उनके साथ एक्सपीरियंस क्या रहा? शाहरुख के साथ बहुत ही स्वीट, और कैसे इंसान है वो, मतलब मस्त, बहुत 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 प्यारा इंसान है वो. उनके साथ मैंने जो सीरियल किया था वो था उम्मीद. अच्छा. एक अरुणा राजे उसके डायरेक्टर थे, वो हमने नासिक में शूट किया था. तभी मैं समझ गया था कि शाहरुख यहाँ नहीं रहने वाला है. अच्छा. एक दिन मुझसे पूछते हैं, मुश्ताक सर ये जो है अपना प्राण लाल मेहता, मैंने कहा यार बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है प्रतिमा फिल्म. हाँ, मुझे उसके कॉल्स आ रहे हैं. मैंने कहा शाहरुख क्या बात कर रहा है, वहाँ से तुमसे कॉल आया? कर ले यार, कर ले. देखता हूँ. अब मैं देखता क्या है यार, कर ले. नहीं 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 नहीं, मेरे को थोड़ा सा एक दो दिन के बाद भी सोचने के बाद उनको जवाब दूंगा. सर चौथे या पांचवें दिन मालूम वो क्या बोलता, आई एम नॉट डूइंग दैट फिल्म. ओके, कितना बड़ा डिसीजन था ये सर. मैं आई वाज शॉक्ड. शाहरुख पागल हो गया है, तुझे मालूम नहीं वो क्या प्रोडक्शन है, उसका डायरेक्टर कौन है मालूम है तेरे को? हिट डायरेक्टर. बता सर कुछ भी हो, रोल क्या है मेरा, उसने मालूम क्या देगा, उसमें राजकुमार है, उनके बेटे का रोल है, मुझे तो कुछ करने नहीं देंगे बोले. और मुझे बोले दो गाने मिल रहे हैं और एक दो तीन सीन मिल रहे हैं, और सब के सब राजकुमार के बाप के साथ, मतलब राजकुमार के साथ. मैं क्या करूँगा उसे, मुझे करने के लिए क्या होगा, परफॉर्मेंस करने के लिए, एक्ट करने के लिए कुछ नहीं मेरे पास. तो ये वो शाहरुख था जिसने वो उस टाइम पे जब वो कुछ भी नहीं था इतनी बड़ी फिल्म को रिजेक्ट किया था. यस, किंग है वो, जबरदस्त. अभी आप लोग की बातचीत वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मिलते हैं. अब देखिए सर, हम लोगों का क्या होता है जनरली, हम लोग, मेरा अपना जो नेचर है, मैं नहीं जाता हूँ, जबरदस्ती नहीं जाता हूँ, बार बार परेशान करने की क्या बात है. लेकिन जहाँ है कि हाँ मिल रहे हैं तो वहाँ जाके तो मिलना ही है. मतलब वट आई बिलीव के यार, आप रिस्पॉन्स आपको बराबर मिले यार, तब मज़ा आता है. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये अब आ गया फिर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कभी आपको किसी सिचुएशन में ऐसा फील हुआ कि आप किसी से मिलना चाह रहे हैं कि ओपननेस के साथ और दिल से किसी मिलना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा मौका नहीं आने दिया फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ऐसा रहा ही नहीं कभी. इवन मैंने सैनी पाजी के साथ ना गदर वन किया, गदर टू किया, मेरी रीज़न मुझे मालूम है आदमी इस तरह का आदमी है. तो जब मेरे को लगता है कि वो थोड़ा मुस्कुरा दिए, कुछ हो गया तो चलो ठीक है, अच्छे मूड में चले गए, बात कर लिए, वो सब हेलो हाय ये वो सब कैसे क्या, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ. अच्छा, ये तो काफ़ी फिर भी रीसेंट फिल्म है. आप अमिताभ बच्चन के टाइम से आप अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उस टाइम से करते आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन सर के साथ एक फिल्म थी कालिया, जिसमें आपने बताया कि एक कालिया जो मेरे लिए ना मेरे जीवन की, मेरी जिंदगी की एक ऐसी फिल्म है जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता. मैं आपको सही बता रहा हूँ, कालिया की कहानी क्या है सर, मैं आपको बताऊँ. जुहू में मैं रहता था और उसका किराया होता था वो टाइम पे, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1981 या उससे पहले भी, 79 या 80 के करीब तक की बात है ये. तो उसका 125 रुपये किराया होता था. वो हमारे लिए, मेरा कुछ 4 या 5 महीने का बाकी हो गया था और मेरे को लैंडलॉर्ड ने बोल दिया था कि देखो जी बहुत हो गया, 5 महीने हो गए तुमको,
पाँच महीने से तुम कुछ नहीं दे रहे। अच्छा वो दाल चावल भी बनाते थे तो हम लोग उसका भी कंट्रीब्यूशन करते, और वो तो है 125 रुपये, तो ये तुम्हारे 5 महीने का किराया इतना हो गया है ना, 500 रुपये हो गया, और दाल चावल का भी तुमने नहीं दियो। तो बड़ा 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 टेंशन था सर कि क्या करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, ये 5 महीने का किराया नहीं तो सारा निकालना थे अपना मकान मालिक। तो हमारे एक दोस्त होते थे सुमित, जो कलकत्ता के थे, जो बड़े अच्छे दोस्त थे उनके, उनके अपने फादर का जिस कुछ था उनका टीनू आनंद के साथ, बड़ा अच्छा आदमी था वो। तो हम उससे बोलते थे यार ऐसा ऐसा, तो पता चला कि टीनू आनंद कालिया फिल्म बना रहे, कालिया फिल्म का सेट लगा हुआ है फिल्म सिटी में, समझ रहा। तो वहाँ पर जो है आर्टिस्टों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने अपने सुमित को बोला, मैंने कहा यार सुमित आप तो अच्छी तरह जानते हैं इनको, टीनू साहब को, कुछ हमारा रिस्पॉन्स कर, कुछ कर दो ना, सिफारिश कर दो कुछ रोल वोल। तो यार पता नहीं यार, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, बोले यार लेके तो चलो कम से कम। चला गया तो जबरदस्त, टीनू साहब ये हमारे दोस्त हैं मुश्ताक खान, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाल हाल है, क्या बात है बोल। मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ, थिएटर करता हूँ। हाँ और अभी तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, मैंने कहा ये ऐसा है एक्चुअली बेटा, रोल नहीं है कुछ यार इसमें, क्या होता है इसमें, सिर्फ अमिताभ बच्चन है, प्राण साहब हैं और कैदी हैं। मेरे कहा सर बात रोल की भी नहीं है। तो क्या बात। मेरे कहा सर क्या ऐसा 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 है, मैं एक गेस्ट हाउस में रहता हूँ, बोल दिया मैंने ऐसे ऐसा ऐसा, 5 महीने हो गए किराया नहीं दिया है उसका। अच्छा तो बस अगर आप हो जाए तो आ जाओ। समझ गया। बोले बोले आ जाओ फिल्म सिटी आ जाओ। तो इस तरह मैंने 9 दिन शूट किया। अच्छा हाँ, और हाँ तो मुझे वहाँ पे कुछ 100 रुपये मिला करते थे एक दिन का। बच्चन साहब के साथ फिर आप मैं आजाद हूँ में भी, फिर मैंने मैं आजाद हूँ किया, मृत्युदाता किया, मेजर साहब किया। और बच्चन साहब को तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि बच्चन साहब ने तो मेरे को उन दिनों जब मेरी शादी हुई थी और मेरे पास मकान एकोमोडेशन नहीं था, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ एक, अभी पता नहीं है कि नहीं, मेरा ख्याल खत्म हो गया, वो एक स्कीम थी CM कोटे की, 10% बोलते हैं उसको, जो आर्टिस्ट कोटा होता है। अच्छा, okay. जो हाँ, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से CM के तरफ से आपको 10% में मिलता हुआ। ओ, ये स्कीम अभी चलती है क्या? अभी है? आप देख लो, पता कर लो। हमारे वक्त मेरे वक्त तो थे, और मेरे को तो उसका फायदा हुआ। बच्चन साहब उस वक्त MP थे कांग्रेस से, इलाहाबाद से, आपको याद होगा। और बच्चन साहब के साथ मैं फिल्म की शूट कर रहा था, और मैंने अपनी बीवी को लेकर गया था शूटिंग पे मैं, और उनको बोला सर ऐसे ऐसे ऐसा, तो ओके नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव मी अ लेटर, आई विल गिव यू अ लेटर, यू जस्ट गो टू शरद पवार, मीट हिम एंड हैंड ओवर द लेटर, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मतलब आफ्टर 3 डेज आई गॉट द फोन कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस, ओके या योर लेटर इज रेडी। तो आपको मिल गया घर? हाँ, अभी तक वो क्या बात है। तो एक फ्लैट तो बच्चन साहब ने फिर वो किया, फिर उनके हिसाब से मुझे कांदीवली में फ्लैट मिला। तो सर एक इतने साल आपको हो चुके हैं, आप इतने फिल्म मेकर्स, इतने प्रोड्यूसर्स, इतने एक्टर्स, इतने लोगों के साथ आप काम कर चुके हैं, कभी आपका मन किया कि मैं खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करूं या डायरेक्ट करूं? अगर नहीं, डायरेक्टर नहीं बनना है सर, डायरेक्टर नहीं। देखिए सर, एक हर एक आदमी की अपनी एक वो क्या बोलते हैं उसको, टेंडेंसी होती है कि वो क्या, मैंने जिसके लिए सबसे पहले बोल रहा कि तुम क्या करना चाहते हो वही करो जी। वो नहीं सर, आई कांट टेक सो मेनी कॉल्स, आई कांट टेक, मैं पागल हो जाऊंगा सर। प्रोड्यूसर का मतलब समझ रहे ना सर? हाँ बोल। हाँ जाता नहीं नहीं नहीं, मैं देख अभी मैं एयरपोर्ट में हूँ और घर में बैठा हुआ है एयरपोर्ट में, अभी निकल दो। नहीं नहीं, वहाँ पहुँचने तेरे को फोन कर दो। अरे नहीं यार, नहीं नहीं, हाँ दे दो कल तक, ये सब नहीं हो सकता सर, बड़ा मुश्किल है सर वो। But if I say, if let's say, let's assume hypothetically, if you have to direct a film, तो आपकी फिल्म में हीरो कौन होगा? मतलब ऐसा है कि सोचते हैं, मतलब अगर ऐसा हुआ कभी भाई, वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी फिल्म बना रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो उसके हिसाब से ही सोचूंगा। बट फिर भी आपके, आपने इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया, सबके साथ किया, आप किसके साथ करना चाहोगे कि मुझे लगता है कि यार मेरी फिल्म का हीरो तो ये है? यार मेरी फिल्म का हीरो तो आमिर खान होगा। आमिर खान, हाँ यार वो मेरा आसान कर देगा काम। खुद आकर डायरेक्ट करने लगेगा। यस, अच्छा आंसर था ये, काफी बढ़िया आंसर है। नहीं नहीं, स्मार्ट चॉइस। तो सर एक जाते जाते लास्ट में जो एक CTA होता है, वो अगर आप सर JR के कैरेक्टर में कर दें, हम हैरा ही प्यार के जो कैरेक्टर का जो कैरेक्टर था। देखिए हम BP प्रसाद मिश्रा JR, JR मतलब समझ रहे हैं ना,
जापान रिटर्न हो, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वी होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, चैट शोज, केस स्टडीज़ और ढेर सारा डेली एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब करें।